अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी दिन फ्री होकर जब मैं टाइम से अब छुट्टी गई थी काम से, तो आज टाइम से आ गया, अंधेरा भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं। जी तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने घर के व्लॉग इंशाल्लाह बनाऊंगा, कि घर में भी जानवर रखे हुए हैं ना, वो भी आपको शो कराऊंगा कि किस तरह से जो है अपना शौक पूरा कर रखा है। ठीक हो गया, जैसे कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं ये फाइटर कुक्स सील पर, ये मिट्टू मियां मिट्टू, ये देखिए अभी आएगा आएगा, आ जाओ मैं कह रहा है, क्या हुआ आ जा, बड़ा प्यार कर रहा है ग्रे पैरेट। हम देखें है ये टीम है, लेकिन इसके जो है ना वो ब्रीडिंग के लिए सोचा हुआ है, इसलिए अपना नहीं निकालता मैं, क्योंकि जो टीम होते हैं ना वो ब्रीडिंग के टाइम ज़रा वो मुश्किल होती है। फिलहाल तो अभी इसके लिए जो है वो मेल चाहिए, ये फीमेल है, मेल वो काफ़ी महंगा है, तकरीबन 1 लाख रुपये का बोला था किसी ने मुझे, तो मैंने बोला था आएंगे तो तब देख लेंगे, जब तक ये तो है ही है ना। और एक ये है, ये भी मेल है, इसके लिए फीमेल चाहिए, अब इसके लिए भी 1000 रुपये चाहिए नहीं है। तो बाकी ये नीचे लव बर्ड्स, ये देखें एक ऊपर बैठा हुआ है इसके, अगर आप देख सकें तो मैं फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ, वो देखें वो एक ऊपर बैठा हुआ है, एक इसके अंदर है, वो वाइट कलर का, वो अंदर ही चला गया, वो अगर बाहर आता तो वो भी मैं आपको दिखाता, ये भी बाघ के अंदर अभी जाएगा। और बाकी ये भी है, ये रेड आई छोटे छोटे बच्चे थे जब मैं लेके आया था, अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और बाकी कुछ ये एक ये पट्ठा 10 महीने का, क्या 11 महीने का होगा ये, और ये भी 10-11 महीने का है, ये भी 10-11 महीने का, ये सारे भाई हैं आपस में, एक ये एक ये और एक ये और एक और किधर गया, एक ये है, यहाँ से वो क्लियर नहीं नज़र आएगा, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक ये है, ये 4 भाई हैं बल्कि 5 हैं, एक और भी है, वो किधर है, वो यहाँ नीचे तो नहीं है, नीचे ही है, वो इसे यहाँ पे बंद किया हुआ है। एक फीमेल ये है, एक मेल ये है और एक मेल ये है, वो देखिए, और ये भी फिर रहा है बाहर एक, ठीक हो गया। और ये कॉकटेल, ये एक पेयर है कॉकटेल का, और इसके अंदर एक कबूतरी थी, वो ऊपर मेरा कल शिफ्ट कर दिया गया उसे। और एक ही है जावा पट्टा, बड़ा बेहतरीन है ये भी पट्टा, ये देखें भागने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगा, कल भाग गया। अभी ये आ रहा है थाई पट्टी वाइट कलर में, एक इसके साथ की और भी है, वो ऊपर है, उसके ना पाँव पे थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया था, उसने छलांग मारी थी ऊपर से, तो उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया, इसलिए उसको मैंने वो सेपरेट कर दिया है, ताकि उसकी वो मरहम पट्टी मैं कर सकूं, और ये जो है ना वो रिकवर कर जाए। इनमें देखते हैं, ये देखें ये छोटे छोटे चूज़े हैं, हो गए हैं 1.5 हफ्ते के हो गए हैं ये सारे, इनमें से 6 मर गए हैं, बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना वो सारे फिट एंड फाइन है। दिखाता हूँ, ये देखें चूँ 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 पड़ी है, हर तरफ ही आवाज़ आती है, कि बहुत शोर मचाते हैं, आग को भी ना सोने नहीं देते, क्योंकि नीचे कमरा है मेरा बिल्कुल इसके नीचे, तो इन बच्चों की काफ़ी आवाज़ें आती हैं। ये मुझे थोड़ा सा ना वीक लग रहा है, एक ये वीक लग रहा है, वो वीक लग रहा है,
अभी इन्हें मैं अंडा उबाल के दूंगा, ये इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। अभी इन्हें भी बंद कर दूं। ये देखें ये बाहर फिर रहा है। ये मादी ना ये फ्रैक्चर हो गई थी, जैसे वो आप इसकी देख सकते हैं टांग पे वो जो रेड हुई पड़ी है ना, इसने वहाँ से ऊपर से छलांग लगाई थी और आके नीचे गिर गई, तो इसकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। बाकी इसकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगी एक दो दिन में सेट ये भी इंशाल्लाह। और दो बच्चे यही हैं, ये सर्दियों में निकाले थे, निकले तो 8 थे लेकिन बचे 2 हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, सर्वाइव नहीं कर सके इतनी ज़्यादा सर्दी में, तो ये 2 बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी काफ़ी हैं, जो बच जाएँ वही काफ़ी हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है किसे ज़िंदगी देनी है और किसे कितने टाइम के लिए रखना है और किसे कितने टाइम के लिए रखना है। ठीक हो गया, अभी ऊपर भी जाके आपको विज़िट करवाता हूँ। ऊपर कबूतर रखे हुए हैं हाई फ्लायर्स, और एक दो बीच में पकड़े हैं लो फ्लायर्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। किसी दिन फुर्सत में बैठ के ना इन सारे मुर्गों का भी आपको इंशाल्लाह शौक करवाऊँगा, और ऊपर जो हमारे कबूतर हैं उनका भी इंशाल्लाह आपको शौक करवाऊँगा मैं। ठीक हो गया, अभी ऊपर जाते हैं, यहाँ पे भी रखे हुए हैं कबूतर दूसरे घर में, ये दूसरे भाई ने रखे हुए हैं, तो इसलिए जो है ना उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये उसके हैं। किसी दिन अगर वहाँ पे भी गया तो उसका भी शौक करवाऊंगा आपको। ये देखिए ये जाक बड़ा बेहतरीन कबूतर, इन्हें बाहर छोड़ा हुआ है, चलो उतर उतर, चलो चलो। एक ये मादी जैसे मैं आपको बता रहा था कि नीचे ये ऊपर आ गई, अब जिसे ना शिफ्ट कर दिया है, ये अंडों से रुक गई थी तो इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया है, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अंडे दे देगी, ना देगी तो दाना वाना खाती रहेगी जो इसके नसीब का है। बाकी ये छोटे छोटे से इसके भी बच्चे निकल आए हैं, छोटा सा डव है, अब पता नहीं मेल है या फीमेल, अभी थोड़ा और बड़ा होगा ना तो फिर समझ आएगी, अभी तो बिल्कुल ही छोटा है। कितना प्यारा है, ये देखें ये भी छोटा सा बच्चा है, और ये भी हैं, ये कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से होते हैं ये। एक दिन ना इस तरह से वो ऊपर बिल्ली आ गई थी, तो बिल्ली की वजह से ये ना 2-4 तो डर से ही मर गए थे बेचारे। और बाकी ये कबूतर है, ये ऊपर जाल में देखें, बेहतरीन किस्म के कबूतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े रखे हैं लेकिन अच्छे रखे हैं। उड़ाने का मुझे इतना ख़ास शौक़ नहीं है, काम से टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी अपना शौक़ किया हुआ है, कभी अगर इतवार वाले दिन फ्री होता हूँ तो इन्हें उड़ाता भी हूँ, ये जो ऊपर वाले हैं। बाकी ये नीचे ब्रीडिंग सेटअप है, वो 2 बच्चे निकले हुए हैं, और ये बटेरी मादी बड़ी बेहतरीन है, ये 5-6 मरतबा रात रह गई है लेकिन बाहर नहीं गिरी और किसी के हाथ नहीं आई, वापस घर आई है, बड़ा जो जिसे कहते हैं अगले दिन भी काफ़ी इसने जो है वो पी काटी है। तकरीबन गर्मियों के दिनों में ये रात रह गई थी तो 2 बजे वापस आई थी, मैं तो सोच रहा था कि बस गई, और उस दिन के बाद जो है ना मैंने इसे ब्रीडिंग में डाल दिया, उसके बाद मैंने इसे कभी नहीं उड़ाया और ना ही मैं अब उड़ाऊँगा इसे, क्योंकि ये बड़ी बेहतरीन मादी है, इसे ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है। इसका ये वैशी कबूतर है सास सियालकोटी, इसके साथ इसका मैंने जोड़ा लगाया हुआ है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़े अच्छे बच्चे आएंगे। बाकी ये एक जोड़ा यहाँ भी नीचे, इन्होंने भी अंडे दिए हैं, ये ऊपर एक कबूतर है, और बाकी ये सारे टैडी हैं, ये ऊपर कसूरी है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कभी स्पेयर टाइम होगा तो इंशाल्लाह वो आपको सारा शौक करवाऊँगा मैं। ये देखो अभी इन्हें भूख लगी हुई है, बार बार नीचे आ रहे हैं, ये बार बार देख रहे हैं भूख की वजह से, ये दाने का वेट कर रहे हैं, अभी इन्हें दाना डालते हैं। किन्ना नो? नहीं नहीं बाहर ही रहने देना। बाकी ये ऊपर है वो देखें, इसमें 2 लो फ्लायर हैं, इसी तरह से आए थे, ये पकड़ लिए हमने, जिसके भी होंगे अगर किसी के होंगे वो वापस आके ले जाएगा, और अगर नहीं है तो हमारे पास ही रहेंगे, या तो इन्हें रख लेंगे या फिर इन्हें बेच के इनका दाना ले आएंगे, यही सारा सेटअप है।
लव यू हो गया जिंदाबाद। बाकी वो एक नीचे एक जोड़ा ये भी है, इसने भी अंडे दिए, वो तो मैंने देखा ही नहीं है, एक ही अंडा दिया है। और इन्हें एक ही अंडा दिता जो थले है टोकरी के, टुट गया किंज टुटे। चलो कोई नहीं, जो नसीब में था वो मिलेगा। और किसी और ने नहीं अंडे दिते हुए तो जेडे एक उनके थले रखे से तीन अंडे, उनका एक अंडा चुके तो थले रख दे। किन्ने दिन हो गए ने अंडे दिते मैं वेह उत्ते कि कबूतर लगा फिर दे। ओ वे उ आ रहे, ओ वे थले आई है, थले आई आ डिगन ही डाई बस होई पी जी। छेड़ लास हो, छेड़ ला, छेड़ ला, आ रहे आ रहे, इन्हें आ जाना, छेड़ ला इन्हू, छेड़ ला, आएगा आएगा आएगा। लगते नीवी दे रहा, अगो वेखो की निकलता। ओ अगर आप देख सकें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें गिर रहा है, बुल फुल थका हुआ है ये। अभी देखते हैं आता है या नहीं आता, कोशिश करते हैं आ जाए, नहीं आएगा तो इसकी मर्ज़ी है, हमने कौन से इसे पकड़ लेना है हवा में से। अगर नीचे उतर आएगा तो पकड़ लेंगे, नहीं आएगा तो इसकी मर्ज़ी है। जा ही रहा हले, वापस आने दी देंदी कोई नहीं, तैयारी लगन दी मैनू, पर ही मूँह कर गया, मुड़दा ही नहीं पिया। बाकी ये सारे हाल वाल हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट कबूतर हैं, इनमें से कोई भी वीक नहीं है। पिछले दिनों में, इन दिनों में आके ना कबूतर वीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो ये यहाँ पे ना पड़ा हुआ है, पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें परवान प्लस कैल्शियम पाउडर ख़ास तौर पर कबूतरों के लिए, टीकों और दीगर विटामिन के विटामिन से छुटकारा, और वज़न 800 ग्राम तकरीबन। अब ये तकरीबन इन्होंने लिखा हुआ है, अब इसका कोई पता नहीं 800 ग्राम है अभी या नहीं है, तकरीबन का मतलब तो कोई नहीं समझ आता ये तकरीबन क्या है। और वो देखें, और सामने जो लाइट आपको नज़र आ रही है ना, वो सामने जो लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये कदाफी स्टेडियम है। ये मेरी छत से इनकी जो है ना कदाफी स्टेडियम की लाइट्स बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। और बाकी ये पीछे हमारे घर के जो है वो साइंस कॉलेज है, और बाकी ये कुछ जो है ऊपर छत के ऊपर पौधे भी रखने का शौक़ है, मुझे पौधे रखे हुए हैं, तो ये सारे सिस्टम है। बाकी रिक्वेस्ट जो की करता हूँ आपसे हर बार ही, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और साथ में मुझे नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन ऑल पर लगा दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। छेड़ आया ही आया ही, इन्हें उतें बिठा ला नहीं, लास 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 आ गए, आ गए आ गए आ गए आ गए, दाना मार दाना मारते। वो देखो नीचे नीचे गिर रहा है, कोई पता नहीं है किधर जाके बैठता है, वो दूसरी तरफ से भी छेड़ लग रही है। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। बाकी ये जब कबूतर अगर बैठेगा तो वो भी आपके साथ वीडियो इसके साथ ही कंटिन्यू कर दूँगा, और अगर नहीं तो फिर कोई मसला नहीं, आते जाते रहते हैं ये, इनका तो आना जाना लगे ही रहना है। बाकी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।